नाटक मुंशी इतवारी लाल और बाजबहु, लेखक नरेश मिश्र की नौटंकी। देख रहे बाबूलाल गजब हो गया, मैं तो कहीं का ना रह गया। क्या हुआ पंडित जी, जल्दी बताइए, मेरा जी धक धक करता है। अरे वो समधी जी महीनों पहले बिटिया को घर पहुंचा गए थे, मैं उस वक्त कुछ न समझा कि क्या बात है, लड़की ने भी कुछ नहीं बताया। आज समधी जी की चिट्ठी आई है, वे लिखते हैं कि अपने लड़के की दूसरी शादी कराने जा रहे हैं। शादी कराने जा रहे हैं? क्यों? लिखते हैं मेरी लड़की बाज है, उनका वंश डूब जाने का खतरा है, उन्होंने बरसों इंतजार किया, अब लड़के की दूसरी शादी करेंगे, तिलक भी चढ़ गया है। यह तो सरासर जुर्म है पंडित जी, हम यह अन्याय सहन नहीं करेंगे। मेरी मदद करो बाबूलाल, वरना मैं गरीब आदमी तो बेमौत मर जाऊंगा। तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो, हमें यह विवाह रोकना ही पड़ेगा। इस वक्त? पर इस वक्त तो मैं जरूरी काम से फंसा हूँ पंडित जी, लड़की वाले मेरे लड़के को देखने आ रहे हैं, सतीश बाबू ने सारा इंतजाम किया है। लड़की वालों को सतीश बाबू बैठा लेंगे, इस वक्त तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, वरना मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगा। ऐसा मत कहिए, मैं अभी चलता हूँ, पर मुझसे यह सब कैसे होगा, यह काम तो मुंशी जी के ही बस का है। मुंशी जी तो उसी दिन से ऐठे हुए हैं, उन्हीं के पास चलो, तुम ही उनको समझाओ, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। अच्छा चलिए सतीश बाबू, आप तब तक लड़की वालों को संभालिएगा। संभाल लूंगा, पर आप जल्दी आइएगा। अब समधी जी को खूब समझा दीजिएगा मुंशी जी, मैं सुदामा ब्राह्मण नहीं परशुराम हूँ, मेरे सौटे ने बहुत तेल पी रखा है, मैंने समधी जी का पैर पूजा है, सिर नहीं पूजा। हाँ यह तो हुई धमकी, पर समधी जी भी अगर आप ही की तरह शास्त्र समझाने लगे, बाज की दलीलों पर शादी की हिमायत में श्लोक बोलने लगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा, यह भी समझा दीजिए भगवान के फजल से। शास्त्र धर्म को ताक पर रख दीजिए मुंशी जी, हम लोग कोई घास फूस नहीं, जो समधी जी इस तरह से हमारी लड़की छोड़ देंगे। पंडित जी ने शादी की है, कोई खिलवाड़ थोड़ी ही किया है। यह आप कह रहे हैं बाबूलाल जी, पंडित जी आपके दोस्त है, संगी है, इसलिए उनकी लड़की का दर्द आपका अपना दर्द है। पर आप भूल गए हैं कि आप जिस बहू को ब्याह कर लाए हैं, उसके भी एक बाप है, और उस बाप के दिल में भी अपनी बेटी के लिए दर्द है। पर मैं, मेरी बहू बाज है मुंशी जी। सच? बाज तो पंडित जी की बेटी भी हो सकती है, पर इसका जवाब मैं फिर दूंगा, अभी तो समधी जी से मिलना जरूरी है भगवान के फजल से। मैं आपका अनुरोध टाल नहीं सकता मुंशी जी, आप सज्जन पुरुष है, पर मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। मैंने तिलक ले लिया है और लड़के की शादी करके रहूंगा। अब यह शादी करेंगे तो प्रलय मच जाएगा समधी जी, हमारी लड़की के आंसू गिरे तो हम खून गिरा देंगे। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं चाहता हूँ। अरे
अरे अभी तशरीफ लाए, अभी रौनक अफरोज हुए और अभी चल दिए, यह कैसे हो सकता है समधी जी? मुंशी इतवारी लाल मीर बख्शी के बैठक से हुजूर नाराज होकर जाएंगे तो गुलाम क्या मुंह दिखाएगा भगवान के फजल से? तो आप इन लोगों को समझा दीजिए कि मेरे मुंह न लगे। मुंह तो ये जरूर लगेगा समधी जी, हमारा आपका रिश्ता ही ऐसा है, हमारी लड़की आपकी बहू है, दुख होगा तो हम आप दोनों दुखी हो गए। तो गोया आप चाहते हैं कि मैं बाज को घर बैठाए रहूं और घर का दीपक बुझ जाने दूं? बाज कौन है जरा हम भी तो सुने भगवान के फजल से। मेरी बहू बाज है। और अगर मैं यह अर्ज करूं कि यह बाज नहीं है तो? बाज नहीं है तो उसके संतान क्यों नहीं हो रहे? हाँ, यह सवाल मौजू है और इसका जवाब आपके लड़के यानी हमारे दामाद ने इस खत में दिया है, इसे पढ़ लीजिए। इसमें बरखुदार साफ लिखते हैं कि उनकी बीवी यानी हमारी लड़की और आपकी बहू में कोई खराबी नहीं, वह सब तरह से ठीक है, पर चूंकि बरखुदार को अभी नौकरी नहीं मिली है और वे अपना बाप यानी हुजूर समधी साहब पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए उनके लड़के नहीं होते। पर यह कैसे हो सकता है? उसके चाहने से लड़के कैसे रुक सकते हैं? इंसान की अक्ल और साइंस के करिश्मे से सब कुछ हो सकता है समधी जी। आप गुजरे जमाने के आदमी है, आपको क्या खबर कि आपका लड़का और आपकी बहू परिवार नियोजन का सहारा लेते हैं? पर यह तो ना समझी का काम हुआ। परिवार नियोजन उसे करना चाहिए जिसके चार पांच बच्चों का परिवार हो। यहाँ तो परिवार ही डूबने को हो रहा है और ये लोग है कि यही तो मुश्किल है समधी जी। परिवार नियोजन का मतलब ज्यादा बच्चों की रोकथाम नहीं, अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक परिवार बनाना है। इस मामले में हमारे बच्चे ज्यादा दूरदेशी और समझदार है, बेहतर है हम नई पीढ़ी के मामले में हाथ न डाले और बाज या अशुभ का सदियों पुराना ढिंढोरा पीटना बंद कर दे। यह ढोल अब बहुत बेसुरा हो चुका है। अब तो आपको विश्वास हुआ समधी जी कि हमारी लड़की बाज नहीं है? समधी जी को तो यकीन हो गया बाबूलाल जी, पर अभी आपको यकीन होना बाकी है। मुझको? जी हाँ आपको, चूंकि आपकी अक्ल की भैंस अभी तबेले पर नहीं पहुंची है, इसलिए आप भी कान खोल कर सुन लीजिए। आपकी बहू भी बाज नहीं है, आपका लड़का भी वही कर रहा है जो हमारा दामाद कर रहा है भगवान के फजल से। ओह, तो यह बात है? जनाब यही बात है, इसलिए आपने सतीश बाबू को लड़की खरीदने के लिए जितना रुपया दिया हो उसे वापस ले लीजिए भगवान के फजल से। मैंने रुपए आपने रुपए भी दिए थे और जेवर भी दिए थे। जेवर तो आपके लड़के ने वापस लाकर मेरे पास जमा कर दिए है, पर नकदी वसूलना आपका काम है। मैं अभी जाता हूँ, सतीश अभी घर पर ही होगा। फौरन जाइए और उससे लड़की वालों का रुपया भी वसूल लीजिएगा, क्योंकि उसने लड़की की गरीब माँ से भी पैसा ठग लिया है भगवान के फजल से। दोस्तों, मैं एक वॉइस ओवर इस कहानी में अपनी वॉइस के मॉड्यूलेशन के द्वारा कैरेक्टर में उतरने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। कहानी तो समाप्त हो गई, पर समाज में ऐसी घिनौनी सोच रखने वाले तत्व हमारे इर्द गिर्द आज भी मौजूद है, जो अपने छोटे से लाभ के लिए
किसी के भी जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। उनको पहचान कर उनसे दूर रहना ही समझदारी है, क्योंकि ये नस्लें ना तो कभी खत्म होती है और न ही खत्म की जा सकती है। वे कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। दोगलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं, ये आपके मुंह पर आपके और मेरे मुंह पर मेरे है। बदला हुआ वक्त है, जालिम जमाना है, यहाँ मतलबी रिश्ते हैं, फिर भी निभाना जरूरी है।